ओम शांति। 27 अक्टोबर 2020 बाबा साकार महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान मण भिन्न भिन्न उपाय बुद्धि रखी जोगर यात्रा रे रुख यह पुराणा दुनिया को बुली निजर स्वीट होम अर्थात शांतिधाम नुआ दुनिया को मने पकाओ। प्रश्न क्यों कर्तव्य अथवा पुरुषार्थ एवे ही होता है सारा कल्परे हुए नहीं। उत्तर जोगर यात्रा रही आत्मा को पावन करिवार पुरुषार्थ समग्र विश्व को पतित पावन करिवार कर्तव्य सारा कल्परे केवल ही संगम समय रे होता है। एक कर्तव्य पुनरावृत्ति प्रति कल्परे होची तुम्हें पिला मने ये अनादि अविनाशी ड्रामार आश्चर्यजनक रहस्य को भल भाव बुझुच। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मान बुझाऊ तेणु आत्मिक पिला मानू देह अभिमानी कि आत्माभिमानी स्थित रही निश्चय बुद्धि हो बसवा कि शुणा आवश्यक। बाबा बुझाई जे आत्मा ही शुणी थाए यही कर्मेन्द्र मध्यम शुणी थाए यह कथा पक्का स्मृति में रख। सद्गति एवं दुर्गतिर चक्र सम्बन्धी ज्ञान समस्त बुद्धि रहा दरकार जो ज्ञान एवं भक्ति सब आसी जाए चलला बुला बेले बुद्धि यही ज्ञान रहू ज्ञान एवं भक्ति सुख एवं दुख दिन एवं रातिर खेल किपर चलू आम समस्ते जोराशी जन्मर चक्र आसुचु बाबा एसबू कथा मन अच्छी तेणु पिला मध्य स्मृति रखिवार पुरुषार्थ करा तुम विकर्म मध्य विनाश हो तुम राज्य पद मध्य प्राप्त करुच जानुच जे ए पुराणा दुनिया तो एवं विनाश हेब जेपरी कौन पुराणा घर थाए अन्य नुआ घर तैयारी करा जाए तेबे मन भीतर निश्चय रही थाए जे एबे आमे नुआ घर को जीवु घर तैयारी केबे केबे बर्षे दुई वर्ष मध्य लागी जाए थाए जेपरी नुआ दिल्ली रे सरकारंकर घर इत्यादि तैयारी हेले सरकार निश्चित चाहिबे जे आमे नुआ दिल्ली को स्थानांतरित होई जीवु। सही परे तुम्हें पिला मना मध्य जानुचो जे यह बेहद पुराणा दुनिया अटे एबे नुआ दुनिया को जीवा को हेबो सेति पय बाबा उपाय बताउचंती एभली युक्ति बुद्धि को जोगर यात्रा रखिबा को हेबो आम को एबे घर को जीवा को हेबो तेणु सही स्वीट होम अर्थात शांतिधाम को मने पकाइबा को हेबो जहां पय मनुष्य माने आज पर्यंत बहुत प्रयत्न करी आसीचन। एकथा मध्य बाबा मीठा मीठा पिला मानंकु बुझाई चंती जे ए दुख धाम एबे विनाश हेबो जदिओ तुम्हें एठारे रहिचो परंतु ए पुराणा दुनिया तुमको पसंद नुहे आमको पुणी नुआ दुनिया को जीवा को हेबो जदिओ आगरु कोनसी चित्र आदि नथिला तथापि तुम्हें जानिचो जे एबे पुराणा दुनिया रो अंतिम समय एबे आमे नुआ दुनिया को जीवु भक्ति मार्ग रे तो केते ढेर चित्र रहिछि ता तुलना रे तुमर तो बहुत कम चित्र रही से सबू है भक्ति मार्ग चित्र चित्र आधार में ही भक्ति करा जाए थाए तुमर तो यह वास्तव चित्र अटे एणु तुम्हें बुझाई पारिबो जे भूल कौन ठीक कौन। बाबा को कहा जाए नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान भंडार तुमठारे यही ज्ञान अच्छी तुम्हें जानुचो जे आम सारा कल्परे केते जन्म नहींचु यही चक्र किपरी गुरुचि तुम्हें निरंतर बाबा स्मृति एवं यही ज्ञान मार्ग में रुह बाबा तुमको रचयिता एवं रचनार संपूर्ण ज्ञान देखते तेणु बाबा स्मृति रोचे बाबा बुझाऊ मुझे तुमर पिता शिक्षक सद्गुरु तुम्हें केवल एक बुझाओ जे बाबा कहते तुम्हें मत पतित पावन मुक्तिदाता ओ पथ प्रदर्शक कहचन तेबे क्यों पथर पथ प्रदर्शक शांतिधाम
बा मुक्तिधामर बाबा निश्चित भावरे सेठा को नै जिबे पिलामानन को पाठ पढ़ाई सबु किछि सिखाई गुलगुल सुंदर करी घर को निश्चित नै जिबे बाबा को व्यतीत केही भी घर को नै जाई पारिबे नै जदियो केही केते भी तत्व ज्ञानी किंबा ब्रह्म ज्ञानी होइथांतु किंतु सेमाने भावंती आमे ब्रह्म रे लीन होइजिबु किंतु तुमरो बुद्धि रे अछि जे शांतिधाम तो आमर घर सेठा को जाई पुणी आमे प्रथमे प्रथमे नुआ दुनिया को आसिबु सेमाने समस्ते परे आसिबे तुमे जानुछ जे अन्य धर्म सबु किपरि क्रमानुसार आसिछंती सत्य युग एवं त्रेता युग रे कहार राज्य थिला सेमानकर धर्मशास्त्र कौन सूर्यवंशी चंद्रवंशी मानकर शास्त्र तो गोटे किंतु भक्ति मार्गर गीता शास्त्र कौन सी सत्य नुहे जो ज्ञान मिलुची ता तो एठारे ही लोप पाई जाउची सेठारे अर्थात स्वर्ग रे कौन सी शास्त्र आदि नाही द्वापर युगर जो धर्म सब आसुची सेमानकर शास्त्र प्रचलित हो आसुची एबे पुणी गोटे धर्मर स्थापना होची बाकी सब धर्म विनाश हो जीवो कहउचंती एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक मत हो ताहा तो जणक द्वारा ही स्थापना होई पारिबो तुम्हें पिलामानंक बुद्धि रे सद्य युगरु आरंभ करी कलिग शेष पर्यंत संपूर्ण ज्ञान रहिछि बाबा कहउचंती एबे पावन हेबा पई तुमनकु पुरुषार्थ करिबाकु हेबो तुमनकु पतित हेबा पई अधा कल्प लागिला वास्तव रे पूरा कल्प कुहा जीवो कारण एही जगर यात्रा तो तुम्हें माने वर्तमान ही करुच सेठारे एसबू नाही देवता माने पतित रूप आपन हेबार पुरुषार्थ करि न थांती से माने प्रथमे राजजगर शिक्षा आधार रे एही ठारे ही पावन होई सेठा को जाई थांती ताहा को कुहा जाय सुख धाम तमे जानुच जे सारा कल्प रे केवल एबे ही आमे जोगर यात्रा रो पुरुषार्थ करुचु पुणी एही पुरुषार्थ अथवा पतित दुनिया को पावन करिबा पई जो कर्म चालुची ताहा पुणी कल्प परे पुनरावृत्ति हेबो चक्र तो निश्चित लगाइबा को हेबो मानक बुद्धि रे रहिचि जे या नाटक अटे समस्त आत्मा एही नाटक रे पाठ धरि अटंती जेउ आत्मा भीतर अविनाशी पाठ भरी होई रहिचि जे परे से ड्रामा सब चलुची किंतु सही फिल्म पुराणा घसरा हो जायथे एहा हला अविनाशी एहा मध्ये आश्चर्य अटे केते छोटो आत्मा रे एते पाठ भरी होई रहिची बाबा तुमको केते गहन गहन सूक्ष्म कथा बुझौचंती जदि केहि सुनुचंती तबे कहउचंती एहा तो बड़ आश्चर्यजनक कथा आत्मा कौन ताहा आमे एबे जानिबु शरीर को तो समस्ते जानिचंती डाक्टर माने तो मनुष्य मानकर हार्ट को मध्य बाहर करी पुनर्बार रोपण करी दउचंती परंतु आत्मा विषय रे के किछि भी जानी नहंती आत्मा पतित रूप पावन किपरि होची एकटा मध्य केही जानी नहंती पतित आत्मा पावन आत्मा महान आत्मा बोली कोई तंती ना समस्ते डाकुचंती मध्य हे पतित पावन आसी मते पावन करो किंतु आत्मा किपरि पावन हेबो सेति पई अविनाशी डाक्टर दरकार जेपरि जे कि पुनर्जन्म रहित अटंती तांकु ही आत्मा डाकी थाए आत्मा को पवित्र करिवार औषध बाबांको पाखरे ही अछि तेणु तुम मानकर लोम खुशी टांकुरी उठिबा दरकार तुम मानकु भगवान पाठ पढ़ाउचंती तेणु निश्चित तुमको भगवान भगवती करिबे भक्ति मार्ग रे एही लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कह जाए तबे जेपरी राजा रानी सही परी प्रजा हेबे ना बाबा आमको निज समान पवित्र मध्य करुचंती ज्ञान रो सागर भी करुचंती पुणी निज ठारो मध्य अधिक विश्वर मालिक करुचंती पवित्र अपवित्र संपूर्ण पाठ तुमको बजाइबा को पड़िथाए तुमे जानुछ जे बाबा आसीचंती पुणी थरे आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करिबा पई जहां पई कहितंती ए धर्म प्राय लोप होई जाइछि ताकु कलिकतार बरगच सहित तुलना करा जाइछि
अनेक शाखा बाहर किंतु तार मूल बिल्कुल नहीं धर्म शाखा सब बाहर मुख्य कांड देवता धर्म नहीं प्राय लोप हो बाबा कहते से देवता धर्म अच्छी किंतु धर्म नाम परिवर्तन कर पवित्र नथिबा कारण निजक देवता कह पार नीले तो बाबा आसी रचना करिबे एवं तुम्हें जानुछ जे आमे पवित्र देवता थिलु एवं पतित हो जाइछु सृष्टि प्रत्येक जिनिष एहिपरि होइथाय तुम मानको एकता भूलिबा उचित नुहे तेबे प्रथम एवं मुख्य लक्ष्य हला बाबा को मने पकाइबा जहाद्वारा आत्मा पवित्र होइपारिबो एहिपरि समस्ते कहंती आमको पवित्र कर एपरि केहि कहंती नाइ जे आमको राजा राणी कर तेणु तुम मानक बहुत निशा रहा दरकार तुम्हें जानुछ जे आम तो भगवान संतान तेणु आमको निश्चित संपत्ति मिलवा दरकार आम कल्प कल्प पाठ पूरी सृष्टि रूपी वृक्ष बढ़ी बढ़ी चलो बाबा मत चित्र आधार में बुझौते सद्गतिर चित्र तुम्हें मौखिक बुझौच चित्र आधार में बुझौच तुमर यह चित्र सृष्टि आदि अंतर रहस्य आसी जाऊँगी सेवादे पाने अनेक निज सम्मान करजे पाठ पढ़ी अन्य को मध्य पढ़ाई चेष्टा करिबा दरकार जेते बेसी पढ़िब सेते उच्च पद पाइब बाबा कहते जे मु पुष्टा तो समस्त को करौछि किंतु भाग्य रे थिले तो समस्त ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करुछन्ति ड्रामा रहस्य को मध्य बाबा बुझाई बाबा पिता मध्य अटंती शिक्षक मध्य अटंती एवं सत्य सद्गुरु मध्य अटंती जे कि साथीरे नहीं जाउछन्ति बाबा हेले अकाल मूरत आत्मार यह सिंहासन अटे ना जेउठारे बसी आत्मा पाठ करुछि तेणु बाबा को मध्य पाठ बजाइबा पई सद्गति करिबा पई आस्थान तो दरकार ना बाबा कहते जे मत साधारण शरीर ने ही आसवाक पड़े मत आसवाई आडंबर किंवा साजसजा इत्यादि किसी भी दरकार ना से गुरु मान शिष्य मान तो गुरु सुनार सिंहासन महल आदि तैयारी कर दिखती तुम्हें कौन तैयारी कर तुम्हें संतान मध्य अट एवं छात्र मध्य अट तेणु तुम्हें कौन कर क्योंठे तैयारी कर ये तो साधारण अटंती ना पिला मानको एकता मध्य बुझौचंती जे बेसिया मानकर सेवा कर गरीब मानको मध्य उद्धार करने को पिला माने चेष्टा भी करुचंती बनारस को मध्य जाइचंती तुम्हें उठाइले कहिबे वाह बीके माने तो चमत्कार करुचंती बेसिया मानको मध्य एमाने ज्ञान देउचंती बुझेबा दरकार जे एबे तुम्हें एही धंदा छाड़ी शिवालय मालिक को ए ज्ञान को निजे सिखी अन्य को मध्य सिखाओ बेसिया माने मध्य अन्य मन को सिखाई पारिबे निजे सिखी होशियार अर्थात चतुर होइबले पुनि निजर ऑफिसर मान को मध्य बुझाइबे हॉल रे चित्र आदि रखी बुझाइले तो समस्ते कहिबे बाहा बेसिया मन को शिवालय वासी करिबा पई ए बिके निमित्त होइचंती पिला मन को सेवा करिबा पई विचार करिबा दरकार तुम उपरे बहुत दायित्व रही तुम मानक अहल्या मानकर कुब्जा सबरी गणिका अर्थात बेसिया मानकर मध्य उद्धार करने को हे गायन मध्य रही साधु मानकर मध्य उद्धार करता तो जानुच जे साधु मानकर उद्धार शेष समय जदि से माने एबे तुमर हो तबे भक्ति मार्ग ही शेष विप्लव हो सन्यासी माने निजर आश्रम छाड़देबे कहिबे बास आमे हारी गलु ए सबू अंतिम समय रे बाबा निर्देश देउचंती एभली कर बाबा तो बाहर को कुआडे जाई पारिबे नहीं बाबा कहिबे पिला मानको ठारु जाय सिखो बुझाइबार युक्ति तो बाबा सब पिला मानको सिखौचंती एभली कार्य करि देखाओ जेपरी मनुष्य मानको मुखरु बाहा बाहा बाहर गायन मध्य रही भगवान शक्ति मानकु
ज्ञान अस्त्र शस्त्र भरपूर कर ज्ञान बाण तुम जानु जे बाण तुमको ए दुनिया रु से दुनिया को नहीं जाऊ तेणु तुम मान को बहुत विशाल बुद्धि हेबाकु पड़िबो। जदि गोटे जगार तुम नाम विख्यात हो गला सरकार को जना पड़गला तेबे तुम बहुत प्रभाव पड़ब। गोटे जगार कहीं जदि पांच सात जन ऑफिसर बाहरी गले तेबे से माने खबर कागज रे प्रकाश करने को लगि से माने कहिबे ए बिके माने बेचे मान को धंदा छोड़े शिवालय मालिक करुछन्ते बहुत बाहा बाहा करिबे एवं धन संपत्ति आनी अर्पण करिदिबे। तुम्हें धन कौन करिब तुम्हें तो बड़ बड़ सेंटर इत्यादि खोलिब धन साहाय्यरे चित्र आदि तैयारी करा जायथे ए सबू देखि मनुष्य बहुत आश्चर्य हेबे कहिबे सर्वप्रथमे तो तुमको पुरस्कार देवा दरकार सरकारी भवन तुम चित्र रखे यहाँ बहुत प्रभावित हेबे तेबे मनरे आग्रह रहिबा दरकार जे मनुष्य मान को देवता किपरि करिबु एक जानुछ जे जे माने कल्प पूर्वे ए ज्ञान नहींथिले सही माने ही नेबे एते धन संपत्ति आदि सब किछि छाडि देबे ताहा तो बहुत कष्टकर कथा। बाबा कहुछन्ति मोर निजर घर बाड़ी मित्र संबंधी आदि केही भी नहांती मोर कौन बा मने पड़िबो केवल बाबा एवं तुम पिला मान को व्यतीत आउ किछि नाही सब किछि अदल बदल कर देछि बाकी बुद्धि कुआडे जीव बाबा को रथ दे देछि जेपरी तुम्हें सेपरी मु मध्य पाठ पढ़ुछि केवल रथ बाबा को भड़ारे देछि तुम्हें जानुछ जे आमे प्रथमे प्रथमे सूर्यवंशी कूल आसवाई पुरुषार्थ करुचु यह नर नारायण हमार कथा तृतीय नेत्र आत्मा को मिलुची आमे आत्मा पाठ पढ़ी ज्ञान शुणी देवता हेचु पुणी से ही राजा मान राजा हेबु शिव बाबा कहते मु तुमको डबल मुकुटधारी करुची ड्रामा अनुसार कल्प पूर्व बोली तुम एवं बुद्धि केते खोली जाइछि एवं जोगर जात्रारे मध्यो रहिबाकु हेबो एवं सृष्टि चक्र को मध्यो मने पकाइबाकु हेबो पुरुणा दुनिया को बुद्धि रे भूलिबाकु पड़िबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिलो दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते आम आत्मिक संतान मानक आत्मिक मात पिता बाप दादा को मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पर मुख्य सारांश प्रथम बुद्धि रहूजे एवं आम पाई नुआ दुनिया स्थापन हो पुरुणा दुखर दुनिया विनाश हेला कि हेला ए दुनिया को बिल्कुल पसंद करिवार नाही। द्वितीय जेपरी ब्रह्मा बाबा निजर सबकि बदल करदे अर्थात सेवारे लगे तेणु तांकर बुद्धि कड़े भी जाऊना से हीपरी तुम मानक फोलो फादर अर्थात बाबा को अनुकरण करने को हेब हृदय केवल यही इच्छा गोटे इच्छा रहुजे मते मनुष्य को देवता करिवार सेवा करिवार अछि एही वेश्यालय को शिवालय करिवार अछि। आज बरदान मुरली रूपी वाद्य द्वारा माया को समर्पित करी मास्टर मुरलीधर पुओ मुरली रूपी वाद्य द्वारा माया को समर्पित करी मास्टर मुरलीधर पुओ विस्तार मुरली तो अनेक शुणीछ एबे एपरी मुरलीधर हुओ जहाकि माया तुमर मुरली निकट रे समर्पित होइजिबो मुरली रहस्य रूपी वाद्य जदि सर्वदा बाजुथिबो तेबे माया सदाकाल समर्पित होइजिबो काहेकि ना मायार मुख्य स्वरूप कारण रूप से आसीथाए जेतेबेले मुरली द्वारा कारण निवारण मिलिजिबो तेबे माया सदाकाल समाप्त होइजिबो कारण समाप्त हेबा अर्थ माया समाप्त हेबा। स्लोगान जदि अनुभवी स्वरूप हेबो तेबे तुमर मुखमंडल
ସୌଭାଗ୍ୟର ଚମକ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବ ତେବେ ତୁମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୌଭାଗ୍ୟର ଚମକ ଦେଖାଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।